एक सरकार के साथ एक प्रोजेक्ट है, फंडेड है, मतलब सरकार पैसे दे रही है, उसमें मैं ये जानना है कि जितने पहाड़ी इलाके उत्तराखंड में, वहाँ पे आप लोग फ़ोन से डिजिटल पेमेंट कितना कर रहे हो, तो कितनी दिक्कतें आ रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आपको डर लग रहा है कि पैसे कहीं चोरी तो नहीं हो जाएंगे, तो फ़ोन आते हैं ना आजकल बहुत सारे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो जानने के लिए सर्वे है, सर्वे के मतलब रिसर्च का एक पार्ट है। तो मैं आपसे वही बात करने आ रहा हूँ कि आप लोग कितना फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन में आप लोग कितना सुबह, मतलब दिन में आप 4-5 बारी अगर आप कुछ मंगाते, वैसे यहाँ आता नहीं होगा कुछ, शायद यहाँ कुछ आता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट कुछ आता है, मतलब मंगाने पर आ जाता है ना, पोस्ट ऑफिस में आता है, ठीक है, और जोमेटो तो फिर भूल ही जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपके जितना भी यहाँ पे आप पेमेंट करते हो वो कैश से करते हो है ना, यहाँ पे दुकानें कितनी होंगी, मतलब इस वाले एरिया में 10-10 वो आप ही लोगों की होंगी, उतने लोग रहते होंगे, उतने लोग यहीं से, और जो सामान आता है वो कहाँ से आता होगा, कोटद्वार से आता है, नहीं मार्केट से, ठीक है। और वहाँ जो आप पेमेंट करते हो, जो दुकान वाले पेमेंट करते हैं, वो कैश करते हैं फिर ऑनलाइन, कैश होता है गूगल पे, ये होता है ऑनलाइन होता है, गूगल पे यूज़ आप करते हो, फोन पे आप यूज़ करते हो, और दिन में आप कितनी बार यूज़ करते हो, अगर आप ऐसे देख रहे हैं आइडिया लगा, अरे नहीं एक दो बार, कोई एक दो बार आपको यहाँ से दूसरी जगह पेमेंट करना है, यहाँ पे नहीं रहता बंदा, तो आप ऑनलाइन करना प्रेफर करते हो, मतलब चाहोगे की ऑनलाइन कैश ही दोगे मिलके, क्योंकि बैठे बैठे आपका काम हो जा रहा है, ठीक है। अभी तक आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, फोन करके बोला किसी ने कि यहाँ पैसे दे दो, बोला था कि क्या नहीं किया, नहीं मतलब कोशिश की गई, एक बार हुआ था इनके साथ, वो तो भाई साहब के साथ, और कोशिश की, 8000 रुपए चले गए वापस तो नहीं आए होंगे, वापस नहीं आए, एक बार ऑनलाइन पैसा चलेगा तो वापस नहीं आता, ये बात आपसे करना आए थे। ATM सबके पास है, डेबिट कार्ड सभी के पास होगा, आप लोग क्रेडिट कार्ड भी यूज करते हो, नहीं क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते ना, कहीं भी कर सकते हैं, मतलब यूज नहीं करते, ठीक हो गया। तो आप जो पेमेंट करते हो क्रेडिट कार्ड से भी, डेबिट कार्ड से भी करते हो, ATM से, या फिर आप गूगल पे फोन पे यूज करते हो, वही करते हो ना, अच्छा ठीक। और जो आपका पेमेंट का मोड रहता है, मतलब जैसे कि आपने कोई शॉपिंग कर ली, आप बता दो कि अमेजोन फ्लिपकार्ट कम कम ही आता है, लेकिन आप मंगा लेते हो, तो पोस्ट ऑफिस आप लेते हो, ठीक हो गया। आपकी सैलरी जो आती है, अगर आप कोई जॉब करते हैं यहाँ पे, या फिर सब अपना अपना काम करते हैं, कुछ अभ्यास आ रहा है, कोई जॉब करते हैं, तो उनकी सैलरी जो आती है वो ऑनलाइन ही आती होगी, हाँ अकाउंट में, वहीं से वो ऑनलाइन ही सब ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश निकालते हैं अपने पास रखते हैं, पहले तो देखिए जैसे डेबिट कार्ड है, अब RBI आप TV तो यहाँ प्रॉपर देखते होंगे, RBI के वो भी देखते होगा, एड वेड क्या नहीं करना है, क्या नहीं कैसे नहीं करना है, तो उसमें 2-3 चीजें हैं, एक तो आपका पिन, एक आपका नाम उसमें क्या लिखा हुआ है, एक पीछे आप देखोगे ना 3 डिजिट लिखी होती है, CVV नंबर बोलते हैं उसको, वो आपने किसी को बताना नहीं है, वो बहुत बेसिक बात है, आपको बताइए, लेकिन अगर आप बता दो किसी को, तो फिर आप अपने ही अकाउंट को रिस्क में डालते हो कि पैसा गायब हो गया। तभी भी आप लोग मेल यूज करते हो, ईमेल, जीमेल है ना, उसमें बहुत सारे लिंक आते हैं कि इस पे कर दो, ऑफर आ गया, कभी भी लिंक पे क्लिक करना ही नहीं है, लालच में नहीं कि पैसा आ गया, लॉटरी का आज मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसा आ गए, पैसा आते नहीं, पैसे चले जाते हैं, कई बार पैसा आते ही नहीं है, कोई फ्री में पैसे देगा नहीं किसी को, तो कई बार क्या होता है, शहर में भी हो गया, अभी मैं इनके बात भी कर रहा था, हमारे वहाँ एक प्रोफेसर है, अभी रिटायर हुए हैं, उनके अकाउंट से 8 लाख रुपये गायब हो गए, 1 महीने के पीछे की बात है। अब हुआ क्या कि उनको किसी ने फ़ोन करके बुलाया, साइबर आपने सुना ना, अरे हाउस अरेस्ट क्या होता है, कि जैसे पुलिस वाले आएंगे, बोलेंगे कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है जितने घंटे तक हम बोलेंगे, तो वैसे साइबर अरेस्ट होता है कि आप कंप्यूटर में बैठे हो, आपके साथ कोई बात कर रहा है, और आपके सारी चीज़ें उन्होंने ब्लॉक कर दी, फ़ोन आपका ब्लॉक हो गया, इंटरनेट ब्लॉक हो गया, तो ऐसे ही करते करते 2 घंटे में उनसे 8 लाख रुपये ऐट लिए, और फिर उनका अकाउंट खाली कर दिया, और वो तो पढ़े लिखे प्रोफेसर रिटायर, जब उनके साथ ही हो सकता तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमारा काम बेसिकली ये है कि गांव-गांव में जाके लोगों को अवेयर करना कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं है ना। आप लोग जब फीस पेमेंट कर दो बच्चों की, जिसके बच्चे स्कूल में कॉलेज में पढ़ते होंगे, तो साइबर कैफे यहाँ होगा जो लोकल होता है, वहाँ जाके पेमेंट कर सकते हैं, CSE है ना, चलो CSE भरोसा कर सकते हैं, सरकारी है, बट ऐसे जो सरकारी साइबर कैफे होते हैं वहाँ जाके आपने ट्रांजेक्शन नहीं करना, होता क्या ना कि कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड में आप जब टाइप करते हो तो उसके निशान पड़ जाते हैं, अब जो चोर है उसको सब पता है, उसने बस ये देखना है कि कौन कौन से, मैं आपने उसे 3-4 पॉसिबिलिटी ट्राई करनी है, ये आपने पहले दबाया, ये बाद में दबाया, वो दोबारा से जाके उसमें करेगा और आपके पैसे फिर रिस्क में आ सकते हैं,
है ना। तो अभी मेरे पास क्या है कि कुछ फॉर्म है, ठीक है, उसमें इंग्लिश में भी हिंदी में भी लिखा है, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको भर सकते हो। कुछ चीज़ें उसमें पूछी है कि आप यूज़ करते हो तो क्यों यूज़ करते हो, सहूलियत क्या मिल रही है, नहीं यूज़ करते हो क्यों नहीं करते हो, आप चाहते हो क्या, अगर आप चाहते हो कि कुछ सुझाव कि पूरे गाँव में यहाँ पे अगर टावर नहीं है तो आप चाहते हो टावर आना चाहिए, आप उसके लिए भी लिख सकते हो, है ना। तो मैं आपको कुछ ATM होना चाहिए, ATM होना चाहिए, यहाँ ATM है, यहाँ से कितना दूर जाना पड़ता है आपको, 25 किलोमीटर, बाप रे बाप, 25-25 किलोमीटर एक ATM वहाँ पे, वो भी कभी खराब हो पैसा आया ना आया वहाँ कभी कंफर्म नहीं रहता। अच्छा, तो आपको कैश हमेशा रखना पड़ता होगा, कोई खोला जा रहा है उसको मैं कार्ड दूंगा लेके आएगा तुम्हारे पास। हाँ ये भी है, और कई बार ATM काम नहीं करते क्योंकि गाँव है कम लोग हैं तो वो आते होंगे कभी कभी पैसा लाने के लिए आते होंगे। हाँ ये यही तो दिक्कत है हमें देखने आ रहे थे कि जो पहाड़ के इलाके हैं उत्तराखंड में, हमने पिथौरागढ़ चंपावत दोहाघाट बागेश्वर तो गौर कर लिया, अब वहाँ पे हमारे पास डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज हैं, यहाँ पे नहीं है, दूर है, इस एरिया में नहीं है, यहाँ स्कूल है, यहाँ हाई स्कूल है, हाई स्कूल है ना, हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम अभी हिंदी है, मतलब सरकारी होगा गवर्नमेंट, ठीक है, GIC। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे ऐसा पढ़ाई लिखाई प्रॉपर तरीके से हो पाती है, होती है ना, थोड़ा बहुत अंग्रेजी के सब्जेक्ट भी तो होते होंगे, इंग्लिश के कुछ सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, साइंस है, ये इंग्लिश का एसएसटी है, ये मुझे होगा ना, थोड़ा बहुत वहाँ बताते होंगे क्या नहीं करना, अगर होता अवेयरनेस बच्चों को, अब देखिए बच्चों को तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ने में आ जाएगा, घर में आजकल स्मार्टफोन सबके पास है, बच्चे बूढ़े सबके पास ही है, तो अब होता क्या, आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आजकल क्या नया चल रहा है ना कि आपके पास सपोज बच्चे बाहर पढ़ते हैं, मान लीजिए कि कॉलेज में, और आपके बच्चे की आवाज़ निकाल के फ़ोन आता है, भी आपने सुना नहीं होगा, तो आवाज आपके बच्चे की आवाज निकाल के फोन आएगा कि मैं यहाँ फंस गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे इतने पैसे चाहिए, आप माँ बाप हैं तो आपको डर लग जाएगा अचानक से कि अरे पैसा मांग रहे हैं तो पैसे दे देना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं ना, उस समय आपके बच्चे का फोन का नेटवर्क जाम कर देते हैं, आप चाहो तो फोन भी नहीं कर सकते उसको, फिर आपको और टेंशन हो जाएगी, चलिए एक्सीडेंट जो रखा है फोन भी नहीं लग रहा, मतलब प्रॉब्लम है, आप उससे जितने पैसे मांगे आप दे दीजिए क्योंकि आपका बच्चा मांग रहा है, आपको ये लग रहा है, पता चला वो आपका बच्चा था ही नहीं, वो तो आराम से बैठा अपने हॉस्पिटल कॉलेज में, तो ऐसा भी हो गया बहुत बारी। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है ना उतना दिक्कतें भी आ रही है, मिसयूज बहुत हो रहा है, तो जो भी आप चीज़ करें उसको प्रॉपर सोच समझ के किसी से 2-3 लोगों से बात करें, तब जाके किसी लिंक पे क्लिक करें, तब जाके आप अपना पासपोर्ट या पिन कोड किसी को बताएं, किसी भरोसा नहीं है उसे मत बताएं, क्योंकि बता के तो आएगी दुर्घटना आई जाएगी। तो आपके सामने कुछ फॉर्म है इंग्लिश में भी दोनों में लिखे हैं, पेन आगे आपके पास सबके पास हैं क्या, अपना नाम जिला अरे के होंडे नी प्लेट प्लेट पर चटनी करना चटनी एक 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 तुम चटनी का बदरे तुम चटनी ना जब काला ना था फिर जरा मैं अभी हम चटनी दुकान में ये बना के खाता है ना हम के साथ क्या मीन ना एक चम्मच बस एक चम्मच अरे मार रहे हो ना अभी वो पहले ना बोल दूंगी ना चटनी और पानी चटनी और पानी बदरे हम दे चटनी।